हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। अभी आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो एलसीएम और एससीएफ है, यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्ग और महत्तम समाप्त वर्ग तक। यूपी ट्रिपल एससी की बात जब हम करते हैं, जब हम इस परीक्षा के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा लो, जो भी आपका प्रीवियस ईयर आया हो, वो चाहे आपका लेखपाल का हो, वो चाहे आपका अभी हाल में मंडी परिषद का हो, वो चाहे आपका युवा कल्याण का हो, या कोई भी पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी कराता है, वहाँ पे एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। और यूपी ट्रिपल एससी नहीं, ये तो एक ऐसी टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में वैसे तो अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा ही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उसकी क्लासिफिकेशन ही होता है। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, डिविजिबिलिटी वगैरह हुआ, उसके बाद फिर वो यूनिट डिजिट रिमाइंडर कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी टॉपिक होती हैं। तो जब उसे कुछ अच्छा क्वेश्चन रखना होता है या बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली रखना होता है, या उसको ऐसा बोल सकते हो एडवांस लेवल से पूछना होता है नंबर सिस्टम से, तब तो वो रिमाइंडर थ्योरम और यूनिट डिजिट के टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम जो छोटे एग्जाम होते हैं, वहाँ पे जब उसे क्वेश्चन करना होता है तो ऊपर ऊपर से जब क्वेश्चन उठाना होता है तो एलसीएम एससीएफ से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर आपको दो दे देगा, इसका आप एलसीएम या एससीएफ बताओ। कई बार खासकर यूपी ट्रिपल एससी एलसीएम एससीएफ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है और क्यों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंस है, इतना इम्पोर्टेंस रखता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो हम सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू करते हैं एलसीएम एंड एससीएफ के बारे में। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समाप्त वर्ग, जिसे आप लासा भी बोलते हो, जो भी हिंदी मीडियम वाले होंगे उसे लासा बोलते हैं, और एससीएफ को आप सभी लोग मासा बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर लासा और मासा है क्या? भाई अगर अभी मैं आपसे बोलूं कि 30 और 40 का लासा निकालो, तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जो 30 और 40 का लासा ना निकाल पाए। या मासा निकालने की बात करूं तो कोई ऐसा नहीं होगा जो इसका लासा या मासा निकाल ना पाए। आपके पास अपने तरीके होंगे, आप पहले पढ़े होंगे, स्कूल में वगैरह में पढ़े होंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं लासा और मासा निकालने के। तो हम ज़्यादा इस तरीके की कैसे लासा निकालते हैं, मासा निकालते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना हम इसे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि आखिर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। कुछ अगर अच्छे क्वेश्चन बन जाए तो हमें कैसे सोचना होगा ताकि एग्जाम टाइम में हम उस क्वेश्चन को लगा पाएं। केवल लासा और मासा निकालना या उसे जानना ही यहाँ पे सब कुछ नहीं है। अगर केवल इसका लासा निकालना होता तो आप सभी के पास जो भी तरीका होता आप सीधा बोल देते कि भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। अगर मैं केवल लासा की बात करूं और अगर मैं इसके मासा की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अगर एलसीएम मैं पूछता तो आप बोलते कि 120 आएगा, और एससीएफ पूछता तो आप बोलते कि इसका 10 आएगा। कैसे निकाले भाई, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि बहुत सारे लोग अगर जब एलसीएम निकालते हो तो आप स्कूलों में ऐसे सीखे होगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, फिर आप 2 से शुरू किए होगे, ये 15 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, फिर ये तो 2 से नहीं जाएगा लेकिन ये जाएगा तो हम इसे एज इट इज उतार लेंगे, ये यहाँ पे 10 कर लेंगे, अभी 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा, फिर उसे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 3 उतार लेते हैं। एक जैसा भी आपका मेथड हो, जो भी आप करो, अब यहाँ पे आप क्या करते थे, गुणा कर लेते थे, तो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 दूना 40, और 40 गुणे 3 120, अगर सभी आपस में गुणा कर लो तो लासा निकालने का आपका तरीका ये होता था। अगर इसी का मासा निकालना होता था तो एक तो आपके पास भाग की विधि होती थी, क्या करते थे आप 30 से 40 को भाग देते थे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ पे शेष क्या आएगा, 10 आएगा, जो शेष आता था उसी से हम किसे उसको फिर से कर देते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 और ये 30 जाएगा, और जैसे ही हमें शेष यहाँ पे 0 बचता है हमें पता चल जाता था कि हमें मासा निकल गया है, और वो मासा होता कितना था इस पे जो सेकंड स्टेप में या सबसे लास्ट स्टेप में जिससे भाग देते थे उसका जो जिससे हम भाग देते थे वो वैल्यू क्या होती थी, आपकी मासा होती थी। तो ये तो आप स्कूल में सीख के आए हो लासा निकालने की ये विधि,
मासा निकालने की ये विधि, इसी विधि से आप मासा निकालना भी निकालने होंगे कई बार, एक बार देख लेते हैं कैसे भाई 30 और 40 के बीच में हमें मासा निकालना था, तो हम उससे शुरू करेंगे जो कॉमन हो। अभी आपका दो कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा 15, यहाँ पे कितना आएगा 20। अभी इन दोनों में दो कॉमन है क्या? नहीं। तीन कॉमन है क्या? नहीं। हम फिर से क्या करेंगे, पांच से कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 तीन बार जाएगा और यहाँ पे 5 चार बार जाएगा। अब जैसे ही आपको 3 और 4 मिला तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो दोनों में हो, तो आप यहीं पे रुक जाओगे और फिर क्या बोलोगे, इन दोनों का गुणा आपका क्या आएगा, मास आएगा। तो ये आपकी विधि थी, ये एलसीएम निकालने की विधि थी अभी तक जो आप स्कूल मेथड से करते आए हो। ये आपकी एससीएफ यानी मासा निकालने की विधि थी, ये भी आपका एससीएफ यानी मासा निकालने की दूसरी विधि थी। इसे आप बोलते हो भाग की विधि और इसे आप इसी मेथड से कर लेते हो। कई सारे बच्चे होते हैं जो और भी तरीकों से कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा अभी पॉइंट इस पे नहीं है कि आप लासा या मासा निकालते कैसे हो। हम इस पे बात करेंगे कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बनता है और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको निकालना आता हो, मैं और भी कुछ अच्छे तरीके आपको बता दूंगा लासा मासा निकालने के, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे कि आखिर लासा निकलते हैं और क्या अच्छा तरीका हो सकता है। भाई मासा निकालने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं, लासा के भी अच्छे अच्छे तरीके हैं, जैसा आप सोच पाओ, लेकिन वो हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए, आखिर लासा होता क्या है, क्या है लासा और मासा क्या होता है। लासा यानी कि जैसे परिभाषा ही बोलती है, अगर इंग्लिश में बोले तो क्या लिखेंगे इसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हम केवल लासा की बात कर रहे हैं, मासा पे हम आएंगे। इंग्लिश में इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। इसका मतलब क्या है, लीस्ट मतलब आप समझते हो सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो दोनों में हो या जितने भी नंबर हो उनमें हो, और मल्टीपल मतलब क्या, मल्टीपल यहां पे जो एलसीएम की बात फोकस हो रही है वो केवल और केवल किस पे हो रही है, मल्टीपल पे हो रही है। आप ऐसे समझिए, मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए तो सीधा बोलिए पहाड़ा। जैसे मुझे अगर दो के सारे गुणज चाहिए, मैं दो का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूंगा, दो एकम क्या होता है, दो दूनी चार, तिहाई छः, फिर आठ, फिर दस, बारह, चौदह, सोलह, अट्ठारह, ऐसे ऐसे होते हैं। अगर मैं दो का मल्टीपल लेना शुरू करूं, दो का सारे गुणज लेना शुरू करूं या दो का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूं, यहाँ पे अभी मैं तीन लूँ तीन का पहाड़ा, तो तीन एकम तीन, दूनी छः, फिर नौ, बारह, पंद्रह, अट्ठारह, इक्कीस, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मैं यहीं पे चार ले लूँ तो चार दूनी आठ, फिर बारह, फिर सोलह, फिर बीस, फिर चौबीस, फिर अट्ठाईस, और ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। अब अगर मेरे पास तीन नंबर है, दो तीन और चार, मुझे इसका लासा निकालना हो तो क्या समझ में आना चाहिए, वो लासा आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है आपसे। अभी समझिए, डेफिनेशन पे जाते हैं, सब कुछ डेफिनेशन में छुपा होता है। क्या बोले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो सब में कॉमन हो और लीस्ट हो। तो अभी देखिए, हम सबसे पहले एक ऐसा मल्टीपल ढूंढेंगे जो तीनों में कॉमन हो। भाई सबसे पहले अभी आप 12 को देखिए, तो 12 यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है। अभी आगे आप फिर से बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे और आगे बढ़ते तो 18, फिर ये 20, फिर ये 22, फिर ये 24, ये 26, ये 28, ऐसे बढ़ता चला जाता। इसे और आगे ले जाते तो ये 21, ये 24, ये 27, ये 30, ऐसे बढ़ता चला जाता। इसे और आगे ले जाते तो ये 28, 32, 36, 40, ऐसा बढ़ता चला जाता। यहाँ पे हमें 12 कॉमन मिला है, अगर आगे बढ़े तो कुछ और भी कॉमन मिल रहा है क्या, आप देखेंगे तो ये 24 यहाँ पे भी है, 24 यहाँ पे भी है और 24 यहाँ पे भी है। तो देखिए, एक तो आपको 12 कॉमन मिला, मैं डबल सर्कल कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा अलग हो, एक आपको 24 कॉमन मिला, मतलब कि कॉमन तो आपका मिल गया, कहां से मिला, मल्टीपल से मिला, लेकिन उसे चाहिए क्या, उसे लीस्ट चाहिए, ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो लीस्ट हो, लीस्ट मतलब छोटा हो, छोटे से छोटा हो, कम से कम हो। तो 12 कम है या 24, जाहिर सी बात है 12 यहाँ पे कम है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि 2, 3 और 4 का लासा क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 ही वो पहला ऐसा गुणज है, पहला ऐसा मल्टीपल है जो तीनों में
कॉमन है। आगे बात समझ में। तो जब भी आपको लासा निकालने की बात करता है तो आपसे बस पूछना चाहता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा मल्टीपल है तीनों का, या जितने भी नंबर दिए हों, दो नंबर दिए, तीन नंबर दिए हों, चार नंबर दिए हों, उन सभी संख्याओं का वह कौन सा समान गुणज है जो सबसे छोटा है, यानी कि लघुत्तम समाप गुणज, सबसे छोटा समान गुणज। आगे बात समझ में। तो ये होता है लासा। अभी हम मासा की बात करें, मासा क्या होता है, तो अभी दो तीन और चार के ही मासा निकालने की बात करें। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब हम एससीएफ का फुल फॉर्म लिखते हैं तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आप देखिए यहां पे चीजें मल्टीपल हो रही हैं, ये मल्टीपल लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, फैक्टर। ये गुणज की बात कर रहा है और ये गुणनखंड की बात कर रहा है। गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। गुणनखंड मतलब वो ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करे, और गुणज मतलब ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो। ध्यान दीजिएगा फिर से आप इस बात को सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा मैटर करेगी। कई सारे जगह ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे हम इससे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इससे अलग कर पाएंगे कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है कि एससीएफ। तो जब वो फैक्टर की बात करता है, एससीएफ की बात करता है, तो हमें एक ऐसा नंबर पता चलता है जो किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है, यानी जो ये एन है इस नंबर का, मैं यहाँ पे पी मान लूं, क्या है, फैक्टर है, इसे पूरा पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। जबकि अगर हमें लासा जब प्राप्त होता है तो लासा वह संख्या होती है जो दी हुई संख्या से विभाजित होती है। आगे बात समझ में। तो देखिए आपको जो ये n मिलेगा, ये क्या मिलेगा, एससीएफ मिलेगा, गुणनखंड मिलेगा, ये गुणनखंड ऐसा है जो p को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो फैक्टर अभी आप ऐसे भी समझे, जैसे मैं 24 लिखूं, तो 24 के अभी फैक्टराइजेशन चैप्टर में हम इसे पढ़े थे नहीं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले थे, गुणनखंडों की संख्या निकाले थे, बस वही बात करना है भाई। दो का सबसे छोटा फैक्टर एक तो उसे काटेगा ही, दो उसे डिवाइड करेगा, तीन भी करेगा, चार भी करेगा, छह भी करेगा, आठ भी करेगा, बारह भी करेगा और चौबीस भी करेगा। ठीक, इसके कितने फैक्टर है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ फैक्टर है, इन्हीं को तो गुणनखंड कहते हैं। आप देखिए चार से चौबीस पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। 12 से 24 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या है, गुणनखंड है। एलसीएम में हमें मल्टीपल पे ध्यान होता देना होता था, और एससीएफ में हमें क्या ध्यान देना होता था, फैक्टर पे। तो आखिर दो तीन चार का अगर हमें एससीएफ निकालना हो, यहां पे क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं, यहां पे क्या निकालेंगे, एससीएफ निकालेंगे। तो एससीएफ मतलब कि मासा, यहां पे क्या निकाले हैं, लासा निकाले हैं। हम इसका क्या ढूंढेंगे, फैक्टर ढूंढेंगे। यहां पे हमने मल्टीपल लिखा है, गुणज लिखा है, और यहां पे हम उसका क्या लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। तो दो के भाई कौन कौन से फैक्टर हैं, या तो एक या तो है कि नहीं है, तीन का एक या तीन, और चार का एक या चार। अभी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, महत्तम समाप वर्धक निकालना है, मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों को या तीनों को डिवाइड कर रहा हो और क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो कौन है ऐसा जो तीनों में है, इसके अलावा आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि दो तीन चार का जो मासा होगा वो क्या होगा, एक होगा। ठीक, अभी हम कोई और दूसरा नंबर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। सपोज करिए कि हम नंबर लेते हैं 20, 26 और 48। अभी हमें इसका एससीएफ निकालना हो, तो भाई 20 को अगर हम फैक्टराइज करें, अभी देखिए अब यहां पे वहां पे तो हमें दो का पता था कि फैक्टर केवल एक और दो है, लेकिन 20 को हम क्या करेंगे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, दो गुणे पांच, और यहां पर भी दो, दो गुणे दो गुणे पांच, यही तो है 20 का फैक्टराइजेशन। 26 को क्या ले सकते हैं, दो गुणे तेरह। 48 को क्या ले सकते हैं, दो गुणे दो
आठ हुआ, छोड़ दो, लिख सकते हैं गुणे तीन, है ना। अगर हम 20 को फैक्टराइज करेंगे, मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या आएगा, दो गुणे दो गुणे पांच, 26 का दो गुणे 13 और 48 का दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन। अभी आप बताइए कि इसमें क्या कॉमन है, यहां पे ये कॉमन है ठीक, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, दो यहां पे है, दो यहां पे है, लेकिन अब यहां पे कोई दो बचा नहीं, बचा तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि दो तीनों में है, हमें ऐसा कॉमन ढूंढना है जो दी हुई सारी संख्याओं में है। तो दो के अलावा अब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे एचसीएफ इसका दो हो जाएगा, मासा इसका क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो जब लासा नहीं पूछता है, लासा मतलब होता है कि आपसे उसका लघुत्तम समापवत पूछना चाह रहा है, एक कॉमन मल्टीपल पूछना चाह रहा है जो लीस्ट हो, एचसीएफ जब पूछता है, मासा पूछता है, तो आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछता है। अब वो गुणनखंड की बात है, तो वो ऐसा गुणनखंड उसे चाहिए जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो, और वो क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, सीखते जाएंगे क्या होता है लासा, क्या होता है मासा, उसके सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन हम करेंगे, ताकि हमें अच्छे से क्लियर होता चला जाए। और ये साथ साथ में जो भी यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे भी हम कवर करते चलेंगे, कि आपको कोई खास दिक्कत ना हो और सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाए, ताकि एग्जाम में अगर वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो फिर आपका मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में लग जाए, और अगर मान लीजिए थोड़ा कॉन्सेप्ट घुमाता भी है, तो आपके कॉन्सेप्ट पे सारी पकड़ होनी चाहिए, कि कभी भी आपको क्वेश्चन नया ना लगे, हमेशा आप उसे विद इन टाइम लगा पाओ, है ना। तभी अगर ऐसी टॉपिक को आप स्किप कर गए एग्जाम में, फिर तो आपका दिक्कत हो जाएगा, ऐसे टॉपिक से एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो एक क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है, सामने ही है, 204, 1190 और 1445, 204, 1190 और 1445, इसका आपका क्या निकालना चाह रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, इसका आपका मासा पूछ रहा है कि क्या होगा। तो भाई आपके पास कोई भी विधि हो सकती है, भाग की विधि लगा दो, है ना, भाग की विधि लगाओगे तो सबसे पहले 204 से इसको दो के डिवाइड करोगे, जो वहां से आएगा उसे इससे करोगे, निकल आएगा। या आप इसे फैक्टराइज कर लो, 204 को फैक्टराइज कर लो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, 1190 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, या 1445 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, और फिर वहां से कैसे 204 को अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो इसे क्या लिखोगे, 2 गुणे 102 को फिर से तोड़ोगे तो फिर इसे 2 गुणे 51 को फिर से तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 17, अब ये प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में हो गया। ऐसे ही 1190 को और ऐसे ही 1445 को, और जो आपका कॉमन आएगा और हाईएस्ट होगा, यानी सब में बड़े से बड़ा होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। हमारे पास कुछ और तरीका होना चाहिए जो आपका टाइम बचाए, तो आप एक नया तरीका यहाँ पे सीखो मासा निकालने का, जो हमेशा आसान होता है और ये आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करेगा। तरीका क्या है आप समझना, अगर मुझे 204, 1190 और 1445 का मासा निकालना होगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो दो ऐसे नंबर ढूंढूंगा जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। फिर से सुनिएगा, मैं ऐसा नंबर ढूंढूंगा दो जिनके बीच का अंतर सबसे कम दिख रहा हो। इसके इसके बीच का अंतर, जाहिर सी बात है, इसके इसके बीच के अंतर से कहीं ज्यादा है। तो दो नंबर हमें दिख रहे हैं, 1190 और 1445। इसके इसके बीच का अंतर कितना है भाई, अगर 10 होंगे तो 1200 और 245 उधर, यानी कि अंतर कितना है, अगर आप 1445 में से 1190 माइनस करोगे तो 255 आपका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। अभी इसी 255 को यहाँ पे समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो डिफरेंस आया है, ये जो अंतर आया है इन दोनों नंबर का, या तो यही है इसका एचसीएफ, या इसका कोई फैक्टर एचसीएफ है। फिर से समझिएगा, एक बार लैंग्वेज समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब भी हम दो नंबर, कोई दो नंबर N1 और N2 के बीच का एचसीएफ निकालते हैं, तो N1 माइनस N2 करने पे जो आपको डिफरेंस मिलता है, जो आपको अंतर मिलता है, ये डिफरेंस क्या होता है, N1 इंटू N2 का एचसीएफ होगा, या इसका कोई फैक्टर
एचसीएफ होगा। मतलब मैं अगर इसका फैक्टर कर दूं तो हो सकता है कोई फैक्टर इसका एचसीएफ मिल जाए, या ऐसा हो सकता है ये डिफरेंस ही कोई इसका एचसीएफ होगा। तो जब आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करो, दोनों नंबर का अंतर लो, और अंतर लो फिर आप चेक कर लो कि ये एचसीएफ है कि नहीं। अभी समझिए, 255 तो एचसीएफ नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये संख्या बहुत छोटी है 255 से, है ना, तो 255 तो नहीं हो सकता। तो आप क्या करो, 255 को फैक्टराइज करो, है ना, 255 को फैक्टराइज करोगे तो ये 5×51 आ जाएगा, इसे फर्दर तोड़ोगे तो ये 5×3×17। अभी समझिएगा, हम एचसीएफ में 5 का मल्टीपल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 204 5 से नहीं कटेगा। आगे बात समझ में, 204 5 से नहीं कटेगा। फिर से समझिएगा, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दी हुई सारी संख्या को डिवाइड करती है। अगर आपका 255 ही एचसीएफ होता तो क्या 255 से 204 कट जाता? नहीं कटता, इसलिए 255 आपका एचसीएफ नहीं होगा। क्यों दिक्कत हो रहा है? दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि इस 255 में ये 5 छुपा हुआ है, ये 5 छुपा हुआ है इसीलिए नहीं कट रहा है। अगर मैं केवल इसकी बात करता तो शायद ये कट सकता, लेकिन हम इससे और भी चेक कर लें, भाई ये नंबर तो पक्का पक्का कटेगा। इसे देखें, इस नंबर को देखें तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये एचसीएफ होता तो 3×17 यानी कि ये 51 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन नहीं डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर संख्या लिखी है ये 3 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए एचसीएफ में आपका ये 3 भी नहीं होगा। तो बचा आपके पास केवल 17, इस कारण इसका एचसीएफ क्या होगा? 17 होगा। तो अभी आप इसे जब पहली बार सीख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बहुत यूजफुल मेथड है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फिर से आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर दी हुई संख्याओं के बीच का अंतर हम पता कर लें, यहाँ पे हम केवल दो संख्याओं की बात कर रहे हैं कि किसी भी संख्या पे अप्लाई हो जाएगा। मान लो N1 और N2 दो नंबर है, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक इसके बीच में और इनके HCF के बीच में, मैं यहाँ पे लिख लूँ HCF N1 और N2 का, N1 और N2 के मासा का और N1 और N2 के डिफरेंस का, अंतर के बीच में रिलेशन जो होता है हम उसे समझेंगे। ऐसे लिख ले, क्या रिलेशन है ये? अगर रिलेशन हमें समझ में आ गया तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। कई बार आपका UP SSSC में ही ऐसे क्वेश्चन पूछा है जो केवल इस कॉन्सेप्ट से लगा है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे आप अच्छे से समझो। अगर हम दो नंबर के बीच का डिफरेंस ले लें और दो नंबर के बीच का जो एचसीएफ ले लें, तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, ये कभी इससे छोटा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, इसका अंतर इससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे अभी इससे पहले वाले आप क्वेश्चन में देखें, तो ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, बहुत यूजफुल है ना, बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे